नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डीआईवाई जेएंड के। दोस्तों आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं रिपेयरिंग, और दोस्तों हमारे पास आई है ये स्टार क्यू AWP 2.4 फर्स्ट जनरेशन मशीन। तो दोस्तों ये मशीन मेरे से ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने खरीदी थी, और इस मशीन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि वो सब्सक्राइबर जो है इस मशीन को कमर्शली यूज़ कर रहे थे। तो देखिए इस मशीन का जब आप स्विच ऑन करोगे तो मशीन ऑन ही नहीं होती, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हुई होती है वो ऑटो कट में होती है, ऑटो कट से ही मशीन ऑन नहीं हो रही होती, क्योंकि ऑटो कट का ही काम होता है मशीन को ऑन ऑफ करना। तो यहाँ पे ऑटो कट जो है वो ट्रिगर्ड रह गया होता है, या फिर उसके स्प्रिंग में प्रॉब्लम आ गई होती है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर ऑटो कट की प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरा केस ये है कि सीधा सीधा आपकी मोटर ही जल गई होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, मशीन को पहले ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या ऑटो कट में प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मशीन को ओपन करने के लिए डिफरेंट स्क्रूज़ को आपने खोलना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं मशीन को ओपन कर रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको भी इस मशीन को ओपन करना है। जैसे ही इस मशीन का आउटर शेल जो है उसे आप खोल लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये है ऑटो कट, और ऑटो कट को हमने इस पोर्शन से खोलना है। बट दोस्तों ऑटो कट जो हमारा ब्लॉक हो रहा है इस काले स्ट्रक्चर की वजह से, तो पहले हम इस काले स्ट्रक्चर को भी ओपन करेंगे इन दो स्क्रूज से। तो जहाँ से भी जो चीज़ ओपन कर रहे हैं उसको याद रखिए, ताकि वापस फिट करते टाइम आप यहीं पर ही फिट करिए। यहाँ पर अर्थिंग एक वायर भी है तो उसका आप ध्यान रखिएगा, वो वहीं पर फिट होनी चाहिए। तो जैसे ही ये ओपन हो गया, उसके बाद आपको एक ये की लेनी है, 18-19 नंबर की है, तो 19 नंबर वाले पार्ट से ये ऑटो कट इस पोर्शन से ओपन करना है आपने। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो हमारा ऑटो कट असेंबली जो है पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी, और इसके अंदर एक स्प्रिंग भी होता है तो स्प्रिंग को भी बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी हम चेक करते हैं कि ऑटो कट क्या ये ख़राब हो चुका है और प्रॉब्लम मोटर में है या फिर प्रॉब्लम ऑटो कट में ही है। तो सिंपली मशीन को ऑन करते हैं और इसको यहाँ से हमने प्रेस करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, मशीन जो है वो ऑन हो रही है। दैट मीन्स ऑटो कट की स्प्रिंग की प्रॉब्लम है, स्प्रिंग में जो है ज़रूरी टेंशन जो है वो नहीं डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, स्प्रिंग इस बटन को पुश नहीं कर रहा है, और जिस वजह से मशीन ऑन नहीं हो रही है। तो इसका सीधा सीधा सोल्यूशन ये है कि आप नया कट ऑटो कट मंगा के आप यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिए, या फिर अगर आप स्प्रिंग को पकड़ के थोड़ा स्ट्रेच कर दें तो उस केस में भी ये हो सकता है। बट मैंने दोस्तों यहाँ पे नया ऑटो कट मंगा लिया था, तो इसलिए मैंने नया ऑटो कट यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। बट आप यहाँ पे स्प्रिंग को स्ट्रेच करके भी दोबारा से फिट कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से मशीन को बंद करते हैं, और जैसे खोला था वैसे ही हम बंद करेंगे। और यहाँ पर देखिए मशीन जो है वो बंद हो चुकी है, और अब देखिए मैं मशीन को ऑन करता हूँ स्विच से, और देखिए मशीन जो है प्रॉपरली ऑन हो रही है, स्विच से ऑफ भी हो रही है। दैट मीन ऑटो कट की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपकी भी स्टार्कियो AWP 2.4 फर्स्ट जन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो आप खोल करके ऐसे ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों जनरली ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा वेयर एंड टेयर की वजह से होती है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मशीन है, इसे जब आप कमर्शली यूज़ करते हैं तो दिन में ये 5-6 बारी या 10 बारी यूज़ होती है, जबकि ये हफ्ते में एक बारी यूज़ होने के लिए बनी होती है। तो नेचुरल सी बात है कि इसके वेयर एंड टेयर जो है वो बढ़ जाएगा, और पार्ट्स जो है वो जल्दी ख़राब होने लग जाएंगे, जैसे इस मशीन के हो रहे हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका कमर्शियल काम है तो कमर्शियल मशीन ही लीजिए, कुछ पैसे बचाने के लिए डोमेस्टिक मशीन लेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका नुकसान ही होगा, और कंपनी आपको वारंटी भी नहीं देगी ऐसी मशीन की। दोस्तों और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ आपको कि डिफरेंट मशीन में सेम अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उनका डिफरेंट सोल्यूशन होता है। तो ऐसा लग सकता है कि आपकी मशीन में भी ऐसी प्रॉब्लम है, बट ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन यही हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन भी है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो ये पता लगा पाना कि कैसे ठीक होगा ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप और भी रिपेयरिंग सीरीज़ के वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIYJNK। बाय।